सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये POJK के डिस्प्लेस्ड पर्संस जो हैं उसमें हमारे प्रोमिनेंट श्री सुभाष शर्मा जी रिटायर्ड एडिशनल DC, हमारे रिटायर्ड SP श्री केवल शर्मा जी, हमारे एक सीनियर लीडर और POJK के नेता अपना राकेश रैना जी और सौरभ शर्मा जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक मुद्दा है हमारा जो मेन एक सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर और LG सरकार एक स्पेशल गवर्नेंस कैंप जो है वो POJK के जो विस्थापित हैं उनके उत्थान के लिए, उनके भलाई के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए जगह जगह पर उन्होंने कैंप लगाने शुरू किए हैं, उनकी परेशानियां जानने के लिए या काफ़ी सारे कुछ स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ LG सरकार वो ले रही है। इसी सिलसिले में कल जम्मू के भोर कैंप में, यहाँ एक बड़ा बस्ती है वहाँ पे हमारा काफ़ी एरिया जो है जहाँ POJK के रिफ्यूजीज जो हैं या हमारे विस्थापित वो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें LG साहब और स्टेट की टॉप लीडरशिप टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो वहाँ उस कार्यक्रम में रहे। मैं शुक्रिया करता हूँ LG साहब ने जब कल वहाँ पे अनाउंस किया कि हमारे जो POJK विस्थापितों की जो कॉलोनीज थी उनको रेगुलराइज करने का फैसला लिया गया, कि उन्होंने वहाँ पे स्टेज से ये बोला कि हम सभी जो कॉलोनीज हैं इनको रेगुलराइज कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक मेमोरियल जो POJK के विस्थापित हैं उसके लिए बनाया जा रहा है, एक जगह जो है वो आइडेंटिफाई की गई है, एक लैंड कटरा रोड पर जो है वो लगभग 70-80 कनाल लैंड के बीच में एक बहुत बड़ा एक मेमोरियल वहाँ पे बनेगा जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर होंगी, ऑडिटोरियम वहाँ पे बनाया जाएगा और इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें। LG साहब ने वहाँ पे ये भी कहा है कि जी जो हमारा एक आर्थिक पैकेज जो दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कुछ लोग वो अभी तक उसको नहीं ले पाए, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी वो सबको पहुँच जाएगा और जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं उनको भी इस आर्थिक पैकेज का जो फायदा वो दिया जाएगा। हम शुक्रिया करते हैं जो एक हमारे जो डील लिमिटेशन कमीशन ने यहाँ से रिकमेंडेशन दी थी कि जो POJK के विस्थापित हैं उसके लिए भी जो सीटों की रिजर्वेशन है वो होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसको जो डिसाइड करेगी। तो हम ये मांग करते हैं कि 8 से 10 सीटें जो हैं कम से कम उसके लिए भी रखी जाएँ और जो इसी सिलसिले में आने वाली 12 तारीख को राजौरी में यही LG गवर्नेंस कैंप जो है वो रखा गया है, वो स्थान जो है वो डूंगी में रहेगा। तो हमें आपके माध्यम से सभी अपने जो हमारे विस्थापित इस एरिया में राजौरी के क्षेत्र में बहुत संख्या में हमारे विस्थापित जो यहाँ पर रह रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि हम 12 तारीख को 10 बजे डूंगी में पहुंचकर उस कार्यक्रम में LG साहब के कार्यक्रम में शामिल हों और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे कुछ लैंड्स के इशू हैं या हमारे POJK के विस्थापित जो हैं इनके हमारे कई प्रकार के कुछ इश्यूज हैं वो हम वहां पर उनको बताएं और उनकी जो बात है वहां पर सुने। और दूसरा, इसके बाद 15 तारीख को पूंछ में सेम ऐसा कार्यक्रम रहेगा, 19 तारीख को लंबेड़ी में रहेगा और जहां जहां भी हमारे ये जो डिस्प्लेस्ड पर्सन जो हैं रह रहे हैं हर जगह पर ये कार्यक्रम होने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की सरकार के दौरान हमारा जो हिस्सा जो पाकिस्तान के नजायज़ कब्जे में है, POJK के नजायज़ कब्जे में हमारा जो आधे से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने नजायज़ कब्जा करके रखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी तेज़ी से उस बारे में सोच रही है, उस ओर बढ़ रही है और हमारी सभी जो हम डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं हमारी ये बड़ी ज़ोरदार हमारी मांग है कि वो हिस्सा जो है वो जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। हम लोगों की जो ज़मीनें वहाँ पे हैं, हमारे जो पुश्तैनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं, हम सब लोग वो जो है हमें वो वापस मिलनी चाहिए और वो POJK का नजायज़ हिस्सा जो है हमें मिलना चाहिए। आज वहाँ की जनता भी ये कह रही है, जो POJK में रहने वाले जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि कौन सा दिन ऐसा आए कि हम वापस इंडिया के साथ हम शामिल हों, हम जम्मू कश्मीर का पूरा एक अटूट हिस्सा उसका बने। आज वो वहाँ भूखमरी की नौबत आ चुकी है, वहाँ पे जुल्म किए जा रहे हैं, आज वो लोग भी इसके लिए तैयार हैं। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्दी इसको वापस लेगी और अभी एक कैलेंडर जो इस बार निकाले गए हैं उस कैलेंडर में जो 12 के 12 महीने में हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस जो POJK में थी या कुछ हिस्टोरिकल जगह थी उन कैलेंडर्स में उनके फोटोग्राफ्स दिए गए हैं।
तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि जो 12 तारीख का कार्यक्रम है हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें और उसमें पहुंचने का प्रयास करें। और एलजी साहब का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने पीओजे के विस्थापित जो है हमारे जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है इनकी वेलफेयर के लिए ये ऐसे ऐसा जो काम शुरू किया है। बाकी बात जो मेरे साथी यहाँ पर हैं वो बारी बारी से करेंगे। ठीक है सर, बताइए सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बहुत मीडिया वालों का शुक्रिया जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी ने और जिसमें हमारे केवल जी हैं, रिकेश जी हैं, गौरव जी हैं, सौरभ जी हैं, ये सब हम रिफ्यूजी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने एलजी साहब का जो प्रोग्राम है 12 को जहाँ हमारा एक कैंप लगना है वो इन्होंने विस्तार से आपको बता दिया है। मैं रिफ्यूजीज का को कन्वीनियर हूँ स्टेट का और आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी अध्यक्षता में इसीलिए रखी थी कि आम आदमी हमारा रिफ्यूजी समझे, पीओजेके के जो हम लोग हैं सब इसको समझ के वहाँ इकट्ठे हों, क्योंकि गवर्नर साहब एलजी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी समस्या को समझे हैं और उन्होंने कहा है जो पैकेज है वो भी हमारा इम्प्लीमेंट होगा जिसमें हर एक चीज़ है, जिसमें हमारी जो 30 लाख रुपया देना था 5 लाख है और भी जो जितनी जितनी उसमें चीज़ें हैं वो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंसी ने बता दी कि विस्तार में हमें कितना फ़ायदा मिलने जा रहा है, हमारी सीटें भी रिजर्व हो रही हैं और इसके साथ साथ जो पीओजी के क्योंकि हम पार्टीशन की मार हैं हम लोग और आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी साहब की क़यादत में समझ चुकी है कि हमारे लोगों के साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ है और इस हुकूमत में हमें इंसाफ मिल रहा है और आज जो कैंप होने जा रहा है उसकी एक कड़ी और इसमें हम सब रिफ्यूजी वहां पहुंचेंगे, सब डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंचेंगे और जो जो उनको दिक्कत ग्राउंड लेवल पे आ रही है जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनका फ़ायदा लेने के लिए आज उन्होंने फर्स्ट स्टेप ये लिया है। उसके बाद हमारा पैकेज का जो प्रोग्राम है वो पैकेज भी हमारा इम्प्लीमेंट होगा जिसमें हमारी 36,000 की करीब फैमिलीज हैं पूरी स्टेट में और रजौरी पुंछ में हम बड़ी मकदार में रहते हैं और ख़ासकर रजौरी में और पुंछ में हमारे लोगों की पीओजेके की फैमिलीज बहुत ज़्यादा रहती हैं और हम लोग पार्टीशन की मार हैं और हम गरीबी के सतह पे हैं और आज हमारी तरफ जब गवर्नमेंट देख रही है हम अपनी एलजी गवर्नमेंट का और अपनी बीजेपी गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो कैंप लगने जा रहा है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें क्योंकि उसमें डिफरेंट किस्म के कैंप हर महकमे के होंगे जो जो भी ग्राहक